अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल उर्दू पिक्चर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी मैं एक नहायत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपके इन्फॉर्मेशन में और भी इजाफा हो जाएगा। जी नाज़रीन, आज मैं आपको एक पुरस्कार जंगल के मतलब बताऊँगी, लेकिन इस बारे में बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये आज मैं आपको एक पुरस्कार जंगल के मतलब बताऊंगी, जिसका नाम छांगा मांगा है। नाज़रीन, ये जंगल दो भाई डाकुओं के नाम पर रखा गया था। नाज़रीन, छांगा मांगा एक काश्तकर्ता जंगल है, जिसने पंजाब और पाकिस्तान के ज़िले कसूर और लाहौर में जंगली ज़मीन महफूज बनाया है। ये लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर जनूब मगरिब में वाक़ है। मौजूदा दौर में गैर कानूनी तौर पर जंगल की बड़े हिस्से में कटाई की गई है। क्या आप जानते हैं कि छांगा मांगा में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और हैवानात भी पाए जाते हैं? इस जंगल में परिंदों की 50 इकसाम, अम्बाइज की 2 और कीड़ों की 27 इकसाम हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जंगल का नाम दो भाई डाकुओं के नाम पर रखा गया था। नाज़रीन, डाकू 19वीं सदी में इस्लाह के कानून पसंद शहरियों के लिए दहशतगर्दी का मुस्तकिल जरिया थे, क्योंकि वो किसी भी गुजरने वाले ताजिर को पकड़कर लूटमार करते थे। क्या आप जानते हैं कि पूरे पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क झाड़ियों और कांटेदार जंगलात को कुचल दिया गया, ताकि एक सैलाबी मैदान रास्ता बनाया जा सके, जिस पर जंगलात के बगात काश किए जा सकें। जंगल में एशियक गिद्धों, बंगलेश गिद्धों की शदीद खतरे से 2-4 तहफ़ के लिए प्रोग्राम बनाए गए। नाज़रीन, 1961 में यानी कि 1961 में कायम एक बैन अक्वामी गैर सरकारी तंजीम है। नाज़रीन, पहले इस तंजीम का नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड रखा गया। इस जंगल के कुछ हिस्से को अब एक तफरीही पार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी ट्रेन पूरे जंगल में 5 किलोमीटर की सवारी करवाती है। यहाँ पर बच्चों के खेल का इलाका भी है और एक झील भी है, जिसका नाम लूनर झील है, जहाँ बोटिंग भी की जा सकती है। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें।